नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमर, और आज बात करेंगे आरएएस प्रीलिम्स परीक्षा की, क्योंकि आज पूरे राजस्थान में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। और जयपुर की बात करें तो यहां पर 259 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। एक ही चरण में परीक्षा होगी। जयपुर में 259 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा की जाएगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा होगी। 3 घंटे का पेपर होगा। कलेक्ट्रेट में परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। परीक्षा के लिए 47 सतर्कता दलों का भी गठन किया गया है। जयपुर संभाग में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। परीक्षा को लेकर कोटा में भी इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है दोपहर 2 बजे तक के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललित वर्मा जुड़ रहे हैं। ललित, आरएएस प्रीलिम्स की परीक्षा है, बताइए कैसी हैं तैयारियां? सुबह 10 बजे से टाइम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल कमर, आपको बता दें कि एक बार फिर से बड़ी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। आरएएस प्री परीक्षा का ये आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें जो परीक्षा केंद्र हैं, उनमें प्रवेश देना शुरू कर दिया गया है। 10 बजे इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और उससे पहले ही अब जो परीक्षा केंद्र हैं उनमें प्रवेश देना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर विशेष जो सतर्कता वो बरती जा रही है। कल रात को ही प्रदेश के अधिकतर संभागों में जो नेट है उनको बंद करने का फैसला लिया गया, और ये नेट कहीं सुबह 6 बजे से तो कहीं दिन में 9 बजे से नेट को बंद किया गया। आप देख सकते हैं कि जो परीक्षा से पहले है दिशा निर्देश हैं, वह यहाँ पर समझाए जा रहे हैं कि किस तरीके से परीक्षा केंद्र के अंदर जाना है। पारदर्शी पैर, आरपीएससी की ओर से जो ड्रेस कोड है वह भी निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे भी नजरें रखी जाएगी, वीडियोग्राफी है वह भी करवाई जाएगी। सुबह 9 बजे से ये परीक्षा केंद्र है, इनमें प्रवेश देना शुरू कर दिया है। अगर पूरे राजस्थान की बात की जाए तो इस परीक्षा में तकरीबन 6.5 लाख से ज़्यादा परीक्षा हैं वह पंजीकृत हैं। इसके साथ ही 1400 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र हैं वह बनाए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में 259 परीक्षा केंद्रों पे तकरीबन 98,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं वह पंजीकृत हैं। यहाँ पर परीक्षार्थी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इनकी किस तरह की तैयारी है और ये परीक्षा देने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? धौलपुर। धौलपुर से किस तरह की तैयारी है? ठीक है, तैयारियां तो, लेकिन क्या है कि काफ़ी लोगों के सेंटर बहुत ज़्यादा दूर दिए, व्यवस्थाएँ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। नेट बंद करने का फिर से फैसला लिया गया है, इससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, ये गलत डिसीजन है सरकार का। इस तरीके से नकल पे जो है लगाम नहीं लगाई जा सकती। इसके लिए अध्यादेश ला करके कानून बनाना चाहिए। आप कहाँ से आए? जालौर से। किस तरह की तैयारी है आपकी? ठीक है, सही है, सेलेक्ट हो जाएंगे? सेलेक्ट होने की तो उम्मीद रख ही रहे हैं, फिर भी अपने आरएएस की परीक्षा कहा जाता है बहुत बड़ी परीक्षा, ऐसे में क्या उम्मीदें हैं, कितनी सतर्कता है? सतर्कता अपनी तरफ से पूरी है। आप कैसे देखते हैं परीक्षा में नकल को रोकने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ भर्तियों में लगातार नकल के मामले सामने हैं? एक्चुअली जैसे जो गवर्नमेंट ने अभी ये प्रावधान किया नेट बंद करने का, मैं मानता हूँ ये एक तरीके से अच्छा है। सजगता होनी चाहिए, विजिलेंस होनी चाहिए कि नकल वगैरह नहीं हो, तो जो बच्चे एक्चुअली तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिले। ये तो नकल वगैरह करने जो भी शॉर्टकट रास्ते हैं उनसे जो मेहनत करने वाले उनको नुकसान होता है। मेहनत करने वाले सराहनीय मानते हैं इसका। जी जी, इसके साथ ही सरकार ने एक और नया कानून ला रही है कि नकल करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। जी जी सर, होना चाहिए। एक्चुअली सर, आदमी को अपनी मेहनत पर और प्रयास पर विश्वास करना चाहिए। आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आप प्रशासन को डोमिनेट करोगे, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए आप अपने प्रयासों में निरंतर रखें और मेहनत करके एग्जाम दें। ललित एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। ललित, आप कई सारे अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, इसमें निकल कर ये बात आ रही है कि जो अभ्यर्थी कोई पूरब रहता है उसका सेंटर पश्चिम आ गया, पश्चिम में दिख रहा है, क्योंकि जालौर से एक अभ्यर्थी ने बात की। अब कहाँ जालौर, कहाँ जयपुर, ये समस्या हो रही है लोगों को, सेंटर दूर दिए गए इस बार। जी बिल्कुल कमर, ये चीज़ हमने देखी है कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका सेंटर बहुत दूर आता है। इनसे पूछते हैं आपका सेंटर कहाँ से है? सर, उदयपुर से आया हूँ मैं। उदयपुर से बहुत दूरी पे सेंटर आया, क्या समस्या रही है? समस्या तो देखो कि उदयपुर से जयपुर का तो सीधा रास्ता है तो हम आ गए, लेकिन बहुत जनों के उदयपुर से हमारे फ्रेंड सर्कल में हमने देखा है कि भरतपुर भी है, अलवर भी है, तो आने में तो परेशानी होती है। तो ये है कि आप सेंटर पास में रखोगे, कि चिटिंग के कारण आप दूर दे रहे हो, लेकिन दूर देने के बाद भी हमने एसआई वगैरह में देखा है कि चिटिंग वगैरह बहुत हुई थी, तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। हो सकता है कि आप दूसरा विकल्प देख सकते हैं, लेकिन बच्चा परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है, इतनी तैयारी करता है, तो हो सकता है कि वो पास में दे, पास वाले आप डिस्ट्रिक्ट में दे दो तो बेटर रहेगा।
बिल्कुल, पास वाले ज़िले में ये मामला हमने कई बार उठाया है, पास वाले ज़िले में भी परीक्षा केंद्र दिया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जाए। कुछ छात्रा भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे जी जी। कि वो कहाँ से आई हैं, आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से। जयपुर से आए हैं आप कहाँ से? बस्सी तहसील से। बस्सी तहसील, कैसी तैयारी आपकी? बहुत अच्छी है, कोशिश जारी है पूरी। कोशिश जारी है बस्सी तहसील से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जांच की जा रही है, पहले उनके आधार कार्ड देखे जा रहे हैं, उसके बाद उनके जो अंदर हैं दो स्तरीय यहाँ पर जांच की जा रही है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं हम उनसे भी बात करेंगे कमर की किस तरह की इनकी तैयारी है और कैसे जो परीक्षा है उनको जो पारदर्शी बनाने के लिए स्कूल की ओर से किस तरह की तैयारी की जाए। मैम किस तरह की तैयारी है परीक्षा को लेकर? देखिए परीक्षाएँ निरंतर चल रही हैं इन दिनों, तो तैयारी सभी परीक्षाओं में कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है SOP ने जो जारी की है उसके हिसाब से की गई है। सिटिंग अरेंजमेंट में डिस्टेंस रखा गया है। बाकी जो इस परीक्षा के लिए आदेश आए हैं या निर्देश आए हैं, जैसे कुछ ऑर्नामेंट्स बच्चियों को जो परीक्षा दे रही हैं अभ्यर्थियों को नहीं पहनने हैं, किसी ने मोली धागा बांध रखा है उसको काटा गया है, सबकी जाँच की गई है। फ़ोटो ID वगैरह हर एक की चेक की गई है। बाकी सैनिटाइज़र वगैरह की व्यवस्था है और डिस्टेंस से क्लास में बैठने की व्यवस्था है और छोड़ते समय भी डिस्टेंस के लिए हमने इंश्योर किया। स्मार्टफोन को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं? नहीं, फ़ोन किसी भी तरह का यहाँ अलाउ नहीं है, वो कैंपस के बाहर ही रख के आने के आदेश हैं, तो वो हमने बच्चों को बता दिए हैं और सबकी चेकिंग भी कर ली गई है। सबकी जांच करके आप देख सकते हैं यहाँ ललित बिल्कुल कहा गया है कि जो बैग्स हैं जो फोन्स हैं उसे बाहर रखा जाए, तो क्या सेंटर के बाहर कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे बच्चों को दिक्कत ना आए, उनके बैग भी जमा हो जाएं? जी बिल्कुल कमर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि परीक्षा केंद्र पर ये पूरी माकूल व्यवस्था है। स्कूल प्रशासन की ओर से उनके बैग, उनके सामान या फिर उनके जो मोबाइल हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थी दूर से आ रहे हैं तो उनके मोबाइल भी जो सुरक्षित रहें उनको लेकर भी यहाँ व्यवस्था की गई है। स्कूल के गेट पर एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें ये जमा करा कर इनको कूपन दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो परीक्षा है उसमें कोई परेशानी ना हो इसको लेकर भी काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। 10 बजे परीक्षा का समय है, प्रवेश अभी देना शुरू कर दिया जी है जी। साथ ही क्लासरूम्स हैं उनमें भी काफ़ी डिस्टेंस के साथ इस परीक्षा को बिठाने का जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे वो कहाँ से आए हैं, कि किस तरीके से उनकी तैयारियां हैं, क्योंकि अभ्यर्थी हैं वह दूर दूर से, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको जयपुर में ही परीक्षा केंद्र दिया गया है। मैम आप कहाँ से आए हैं? जयपुर। जयपुर से। कैसी तैयारियाँ? ओके, क्योंकि जो RAS की परीक्षा है वह काफ़ी मायने रखती है, बहुत बड़ी परीक्षा RAS और IAS की परीक्षा है, काफ़ी बड़ी होती है और जो परीक्षार्थी हैं उनकी तैयारी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी। पहले हमने देखा था कमर की रीट परीक्षा में नेट बंद किया गया जी, उसके बाद अभी पटवारी परीक्षा का आयोजन हुआ उसमें भी नेट बंद किया गया और अब जो नहीं, लगातार ललित बड़ा सवाल ये भी है कि लगातार जो नेट बंद करने का फैसला, जो नेट बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है उसमें कितनी सफलता हासिल हो रही, बड़ा सवाल तो ये भी है क्योंकि आम जन को कहीं ना कहीं से थोड़ी दिक्कत तो आती है। कमर अगर बात करें रीट परीक्षा की, रीट परीक्षा में अगर 1.5 घंटे पहले पेपर बाहर आने की जो घटना हुई थी वो हुई थी, लेकिन पटवारी परीक्षा में डमी अभ्यर्थी और जो कई मामले थे सामने आए, लेकिन कहीं पर भी पेपर आउट होने का मामला सामने नहीं आया हमने देखा है। ये बहुत बड़ी बात है, 4 चरणों में परीक्षा का आयोजन, 2 दिनों तक आयोजन, 16 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे, 67% उपस्थिति रही, लेकिन इसके बावजूद भी जो कहीं से भी राजस्थान के किसी भी हिस्से से पेपर आउट होने की घटना सामने नहीं आई। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो पेपर आउट है उसकी घटना सामने नहीं आना, किसी प्रकार का पेपर वायरल नहीं और होना, बिल्कुल ऐसे में एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है प्रशासन की। जी चलिए ललित, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से आपसे जुड़ूंगा, अपडेट लूंगा। तो कुल मिलाकर 10 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी।